नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MG2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, फाइनली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा जो आपका 16/7/2023 को बस कंडक्टर के लिए रिटर्न एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर दो लिस्ट आई है, एक लिस्ट में तो जो सभी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था सभी के मार्क्स हैं, एक लिस्ट आई है यहाँ पर मेरिट लिस्ट इसका नाम दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या है और क्या इसमें मेरिट लिस्ट रह सकती है, डिटेल से बात करेंगे। इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हैं, जो साथी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो लिस्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मेरिट लिस्ट है फॉर बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 16/07/2023। अब इसमें लगभग ये जो आपकी PDF फाइल है ये आपकी 28 पेजेस की फाइल है। कैटेगरी वाइज इसमें रोल नंबर दिए हुए हैं, जनरल SC EWS BC OBC इस प्रकार से रोल नंबर दिए हुए हैं। तो जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में लगभग जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट को किया गया है। जनरल कैटेगरी में लगभग यहाँ पर 471 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जनरल कैटेगरी में 471 को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो मिनिमम मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी में 66 हैं। तो 66 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया वो DV के लिए। अब जनरल के 471 को DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया, वैकेंसी कितनी है वो भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। अब दो प्रकार से इसमें यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई हैं। अगर वैकेंसी रहती है 131 तो उसमें जनरल की 54 रहेंगी, SC की 20 रहेंगी, OBC की 31, EWS की 12। अब अगर ये वैकेंसी बढ़कर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन था 320, तो जनरल के 126 जबकि जनरल के 471 को शॉर्टलिस्ट किया गया, SC की 50, OBC की 75, EWS की 33। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको उन्हें वैकेंसी देख ले, अब यहाँ से आप मेरिट लिस्ट का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैंडिडेट DV के लिए बुलाए गए। मेरिट लिस्ट अभी थोड़ा सा एक बार फिर से इसमें हाइक थोड़ी बहुत हो सकती है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, SC कैटेगरी में भी अगर मैं बात करूं कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया, SC कैंडिडेट कैटेगरी में टॉप किया 73 मार्क्स वाले कैंडिडेट ने, तो SC कैटेगरी में लगभग अगर मैं बात करूं आपके 163 कैंडिडेट को जो DV के लिए बुलाया गया। OBC में 79 वाले ने टॉप किया है और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग हमारे जो कॉल की गई है DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपके बुलाए गए हैं 263 कैंडिडेट। EWS में जो टॉप किया वो 80 नंबर वाले कैंडिडेट ने किया है और EWS में जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं आपके वो बुलाए गए हैं, एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ जी, EWS कैटेगरी में जो आपके कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो लगभग 110 कैंडिडेट बुलाए हैं। EWS कैटेगरी में 110 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आ चुका, आप देख सकते हैं। एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।